कुछ रीत जगत की ऐसी है। मैंने तो पहले ही कहा था, नंदिनी के खुद के कदम उसके खुद के लिए अच्छे नहीं है। काम करते जिगर, मोटा पप्पा को उठाते। अरे उसने बोला है ना मोटा पप्पा नहीं जगाने के लिए, इसीलिए तो जगाना चाहिए। अब इवेंट प्लानर इवेंट प्लान कर रहा है तो आधी रात को घर में इवेंट क्यों ना हो। You mean to say late night show? Yes. Then late night show it is. चलो। Are you sure? आप एक बार प्लीज चेक कीजिए ना। अब ठीक है, आप कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम जिगर है और इसी नंबर पे मुझे कॉल कीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, क्या बोला उन्होंने, कुछ बताया? कहाँ है वो? मोटा काकी, होटल में तो चेक इन नहीं किया उन्होंने। और क्या, नरेन का फोन स्विच ऑफ है। उस लड़की के आते ही कितना बदल गया है वो। अपना फोन ऑफ रखने की क्या जरूरत थी उसे? कहीं एक्सीडेंट तो? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। भाभू ऐसी सिचुएशन में ना इसको ऐसे ही थॉट्स आते हैं नेगेटिव। लेकिन ये बात तो हम सबके मन में आई ही है तो हमें हर एंगल से सोचना चाहिए। बराबर छे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंदिनी उपलेटा जाने की जिद कर रही हो। नई नई शादी हुई है, मामा मामी की याद आ रही होगी उससे। उपलेटा कहाँ दूर है, बस 2 घंटे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर फिर भी आप एक बार उपलेटा फोन करके पूछ लीजिए। हाँ। हिमराज सिंह, जय श्री कृष्ण। हिमराज भाई, हिमराज भाई इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? ईश्वर भाई, नरेन और नंदिनी वहां पर आए? नहीं, नरेन नंदिनी तो यहाँ पर नहीं है। क्या बात हो गई? नहीं कोई बात नहीं है। क्या हुआ? हिमराज भाई का फोन था, पूछ रहे थे नरेन नंदिनी यहाँ पर है क्या, और उसके बाद फोन काट दिया। मैं दोबारा फोन लगाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, वो गुस्सा हो जाएंगे। अब नंदिनी को फोन लगाओ। हाँ। Number you are trying to call is currently switched off. Switch off आ रहा है। हे भगवान, तो नरेन कुमार को देखूं फोन लगा के। The number you are trying to call is currently switched off. ये भी switch off है। कमाल है, कहाँ गए होंगे ये दोनों? मोटा भाई, आपको क्या लगता है हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए? डबल सिर्फ 4 घंटे हुए हैं। 24 घंटे से पहले वो लोग कंप्लेन नहीं लेंगे। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। चंचल, हम लोग देख रहे हैं ना सब। मोटा भाई, कल दिन में नरेन वो केशव कनौजिया के आसपास के लोगों से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। अरे कहीं उन्हीं लोगों के साथ उसका कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, या कुछ और? नहीं नहीं जिगर, मोटा भाई मैं और जिगर जाकर केशव कनौजिया के लोगों के ठिकानों पे चेक करते हैं। ठीक है धवल। और धवल, अपना फोन ऑन रखना। जी मोटा भाई, मेरा फोन ऑन रहेगा, आप चिंता मत करो। पूरे घर वाले टेंशन में और वो नालायक रौनक अपने कमरे में आराम से सो रहा है। हेमंत, रुक साले, रुक साले, धोखेबाज कहाँ जा रहा है? भाई क्या क्या कर रहा है यार? भाई थोड़ा दोस्ती का तो लिहाज रख। तेरे बाप ने लिहाज किया, लेके भाग गया ना सबका पैसा। लेकिन इससे तुम्हें क्या, तुम्हारा तो मैक्सिमम पेमेंट क्लियर कर चुके हैं वो। मैक्सिमम पेमेंट? सिर्फ 50 लाख का पेमेंट हुआ है। क्या बोल रहा है रौनक भाई, धवल काका से जाकर पूछो, पापा उनका मैक्सिमम पेमेंट क्लियर कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं ना उसके लिए भी टाइम ले चुके हैं। काका को पेमेंट किया? हाँ। कब किया? और अगर झूठ बोला ना तो देख लियो तुम। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अपने बाप की कसम मैक्सिमम पेमेंट क्लियर कर चुके।
चलो गाड़ी पीछे लो। नवीन जी, नवीन जी, कुछ आवाजें आ रही है। आवाज? कोई आ रहा है। आवाज? हेलो कलावड़ पुलिस स्टेशन। नंदिनी, सर मैं मानता हूं कि हमने पूरी रात वेयर हाउस में गुजारी, लेकिन सर हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। सर सर हम दोनों पति पत्नी हैं सर। अरे मेहता, दोनों पति पत्नी हैं। सर ट्रस्ट मी सर, हमारी कुछ दिन पहले ही शादी हुई। अरे यार वही घिसा पिटा स्टोरी। हम जब भी किसी कपल को पकड़ते तो वही कहते कि हम पति पत्नी हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपने हाउस से इनके वेयर हाउस कैसे पहुंच गए? सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सर, हम अपने घर से नहीं गए थे सर, हम ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट में थे, हम वहां खाना खा रहे थे और फिर हम होटल जाने वाले थे सर। कौन से होटल? शालीमार होटल सर। शालीमार होटल, ये तो 5-star है। जी बिल्कुल सही कहा सर। और सर आप इनफैक्ट होटल वालों को भी कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारे नाम की बुकिंग है सर वहाँ पे। अरे मेहता, वहाँ भी ये सब काम होने लगा क्या? तो ये सब नोट करके रख, मुझे बाद में बताना ठीक है, वहाँ छापा मारना है। जी सर। वैसे तुम लोग रहने वाले कहाँ के हो? सर यही राजकोट के ही सर, लोकल। राजकोट के रहने वाले हो? जी। तो रात गुजारने के लिए अपने घर के बजाय राजकोट के किसी होटल में क्यों गए? नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपको कह रहा हूँ सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है सर। नाम बता भाई, तू अपना नाम बताओ। नरेन कुमार सर। पूरा नाम बता। सर पूरा नाम सर नरेन कुमार ही है सर। आईडी दिखाओ। अगर तुम लोग होटल जा रहे थे तो वहां चेकिंग करने के लिए आईडी तो लगता है ना, वो कहाँ है दिखाओ। नरेन रतन सिंह। तो लोग झूठ क्यों बोल रहे थे और तुम अपना सरनेम क्यों छुपा रहे थे? रतन सिंह, तुम रतन सिंह ज्वेलर्स वाले हो क्या? जी जी सर मैं वही हूँ। विजिटिंग कार्ड दिखाओ। अरे दिखाओ विजिटिंग कार्ड। जी सर प्लीज उसे कॉल वॉल रहने दीजिए ना सर, घर वाले परेशान होंगे सर। असिस्टेंट रतन सिंह ज्वेलर्स, मे आई हेल्प यू? क्या मैं हेमराज रतन सिंह से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर रमेश मेहता, कालावार पुलिस स्टेशन। हेमराज जी को बोलिए कि उनका बेटा हमारे पास है, यानी पुलिस स्टेशन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।